लाइन टेन, पूरा लाइन टेन। कमल नहीं खिलेगा, मुरछा जाएगा कमल। और तो नवादा में कमल मुरछा जाएगा अभी। 400 पार, 400 पार, 200 नहीं पार होगा अभी तो। मंदिर के नाम पर नहीं, लाइन टेन देख रहा सब, पूरा लाइन टेन माहौल है, लाइन टेन ही चलेगा। कमल का क्या होगा? कमल का क्या होगा? कमल खिला था, खत्म हो जाएंगे। हम लोग तेजस्वी को देंगे, मोदी जी को हम लोग नहीं देख रहे हैं। मोदी जी खाली बड़ा बड़ा बात करते करते कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं करते, खाली बड़ा बड़ा बात करते। पलटू राम तो खाली इधर से इधर पलटते रहते हैं, उसका तो काम ही नहीं। नीतीश कुमार जैसा कोई खतरनाक नेता है ये नहीं है, उसका बात का वैल्यू ही नहीं है। चुनावी यात्रा के दरमियान हम लोग नवादा पहुंच चुके हैं। नवादा में पहले चरण में मतदान होना है, प्रत्याशियों का नाम, नॉमिनेशन सब कुछ हो चुका है। विवेक ठाकुर जी भाजपा से होंगे, एनडीए से होंगे, वहीं दूसरी ओर श्रवण कुशवाहा जी पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। तो नवादा में क्या कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा? सबसे पहले नाम बताइए और जगह का नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, मस्तानगंज से। मस्तानगंज है ये जी। तो क्या माहौल है इधर का? इधर का माहौल है लालटेन ही जलेगा, लालटेन जलेगा जी। कमल का क्या होगा? कमल का क्या होगा? कमल खिला था, छा जाएगा, खिला था, लगातार कमल खिला था, यहाँ लगातार कमल खिला था। तो बार बार भी नेता को चेंज करना ही चाहिए। अच्छा, समझे। भाजपा वाले बोलते हैं गढ़ है, गिरिराज सिंह यहाँ से जीत के गए, चंदन सिंह जीत के गए। वो देखिए जनता को अब समझ में आ गया है। अच्छा, उस टाइम कैंडिडेट वगैरह भी बढ़िया नहीं था, समझे। और इस बार से जो ए टू जेड का पार्टी बनाए हैं तेजस्वी जी, इसमें जो सरवन जी हैं कोरी समाज से, कुशवाहा से हैं, उनका भी वोट मिलेगा, योगदान उसमें भी उनका रहेगा, और यादव समाज का भी रहेगा, एम बाई का पार्टी जो समीकरण है मुस्लिम समाज का, वो सब भी रहेगा। तो इसलिए तेजस्वी जी तो टिकट दिए हैं सोच समझ के। ये मोदी जी के लहर का क्या होगा? लगातार टीवी में दिख रहा है 400 पार 400 पार, उसका क्या होगा? मोदी जी का लहर देखिए, 15 साल लालू जी भी राज किए हैं, 15 साल इनका भी हो गया, पूरा खत्म हो जाएंगे। दसे हुआ अभी, दसे हुआ। हाँ, तो जो है अब जैसे जनता धीरे धीरे जागरूक हो गई ना। अच्छा। जैसे ठीक गिरिराज सिंह आए यहाँ पर, चंदन सिंह आए, हम लोग उन लोग को जानबो नहीं करते हैं। तो भाजपा का मोदी का लहर मैजिक नहीं है कुछ नवादा में? मैजिक उजी कुछ नहीं है, तो जनता का लहर था। गारंटी दे रहे हैं 400 पार का, यहाँ मतलब तेजस्वी मैजिक चल रहा है क्या? तेजस्वी मैजिक है, हाँ हाँ। क्यों आप लोग लालटेन में क्यों देंगे? कुछ तो मुद्दा होगा, कौन सा मुद्दा आपको पसंद? मुद्दा यही है कि रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी जैसे 17 महीना का जो चल रहा है अभी, जो वही नौकरी उकरी का मुद्दा है, आदमी अभी बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। तो लोकल का भी मुद्दा है कि जो लोकल, जैसे कि लोकल मतलब जैसे सरवन जी नवादा का है, नवादा के ही है ना। और वो अब किनको विवेक ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं, वो कहाँ का है? हम लोग इतना भीड़ में कोई जानते भी नहीं कहाँ का, कोई आप लोग जानते हैं कहाँ? पटना से आए हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, जो भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। प्रभाव नहीं है ग्राउंड पे? नहीं, प्रभाव हम लोग को उनको देखने नहीं है। तो अच्छा, एक दो बागी भी यहाँ खड़ा हो गए हैं, राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव जी, कहा ये जा रहा है कि यादवों का वोट तोड़ लेंगे। आप लोग शायद यादव ही हैं सब लोग जी ना? जी। तो राजबल्लभ के भाई को वोट नहीं देंगे? हम लोग तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी को देख रहे हैं ऊपर जी जी, नीचे सरवन जी से सरकार, जैसे विनोद जी से सरकार तो नहीं खत्म होगा, पार्टी से नहीं होगा, यहाँ पार्टी पर सिमान्य है। अच्छा, तो पार्टी को वोट देंगे तब ने हमारा पार्टी मजबूत होगा। यादव जी यादव हैं, आप भी यादव हैं, जाति नहीं देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, लालटेन को देखेंगे जी, लालू यादव इस बार जाति उति नहीं देखेंगे, जाति ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, जैसे जाति विवाद है तो ऊपर देख रहे हैं, जाति लालू यादव को देख रहे हैं। हाँ, अब मोदी जी ऊपर में है, सबसे ऊपर में, उनको नहीं देख रहे हैं? गरीब के बेटा, फकीर के बेटा, गरीब गरबा के मसीहा। नहीं, मोदी जी को हम लोग नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं मोदी जी? काम नहीं किए मोदी जी? काम क्या किए? कहते हैं 10 साल बेमिसाल काम किए हैं। अब महंगाई का है, जो महंगाई है वो तो हो ही। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? मोदी जी खाली बड़ा बड़ा बात करते करते कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं करते, खाली बड़ा बड़ा बात करते हो। दुनिया में उनका डंका बज रहा है, नाम हो रहा है दुनिया में, जो उसको खाएगा वो गाएगा ही। अच्छा, कौन खा रहा है, कौन गा रहा है? उसका पार्टी में जो समर्थन कर रहा है, टीवी वाला दिखा रहा है, दुनिया में डंका मजबूत कर रहे हैं मोदी जी भारत को। जिसको देता है ग्राउंड पे, आप लोग मजबूत नहीं हुए, गरीब गुरबा मजबूत नहीं हुआ है? गरीब गुरबा मजबूत नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिगड़ गया है, सब अर्थव्यवस्था और बिगड़ गया है, मजबूत हम लोग। बुलेट पर चढ़ रहे हैं आप,
अब बोलते हैं महंगाई है, अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, तब बुलेट पे चढ़ रहे हैं, तब बुलेट पे हम ही खाली चढ़े। देखिए 50,000 जमा करके बुलेट लिए हैं। अच्छा, है तो तेलवा कैसे है अभी? तेलवा यही जाते हैं पंपा पर, पंपा पर से घर वाते हैं। मतलब कैसे रेट चल रहा है आजकल? किसका? पेट्रोल का। पेट्रोल जल्दी भरे भी नहीं करते हैं, 106 रुपया शायद होगा। अच्छा 106 रुपया है, महंगा है जी। नहीं सस्ता है कि? सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। 200 रुपया भी कर देगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। युवा अंदर से नाराज है मोदी जी? आज तो पूरा है, पूरा नाराज है। युवा के ही दम पे मोदी जी 14 में आए थे, तो युवा इस बार उनके साथ नहीं है। पलटू राम तो खाली इधर से इधर पलटते रहते हैं, उसका तो काम ही नहीं। नीतीश जी, विकास पुरुष, अरे वो क्या विकास कर रहा है हमको देख रहा है, क्या विकास कर रहा है तो सब देख रहा है। आपके साथ आएंगे तो विकास पुरुष हो जाएंगे, उसके साथ चले गए तो पलटू राम हो गए। पलटू राम तो है ही है। अच्छा, मतलब विश्वास खो दिए हैं आप लोग की नज़र में? नीतीश कुमार जैसा कोई खतरनाक नेता है ही नहीं है। खतरनाक कैसे? तो क्या उसका बात का वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जब बड़ा आदमी वैल्यू नहीं, जो बड़ा नेता है, तो हम लोग का क्या है? एक बात के नहीं है, नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल सकते, कुछ भी उसका बात पे भरोसा ही नहीं कर सकता कोई भी। और किन्हीं को बोलना है? क्या नाम आप आगे आइए, क्या नाम हो गया आपका? अरुण कुमार। आप लोग का क्या मुद्दा है नवादा के लिए, क्या बनना चाहिए नवादा में? मान लीजिए नवादा का मुद्दा की यहाँ का लोकली कैंडिडेट आपसे नेता पूछेंगे की नवादा में क्या चाहिए? नवादा का विकास चाहिए। विकास में क्या क्या होना चाहिए? रोजगार चाहिए, यहाँ का जो व्यवस्था खराब है उसका सही होना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल वगैरह है ना, हॉस्पिटल चाहिए, केंद्रीय विद्यालय चाहिए, ठीक है, सरकारी स्कूल, पढ़ाई लिखाई होता है उसमें? कुछ नहीं है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है। देखिए क्या नाम हो गया आपका? सरवण कुमार। सब यादव जी ही है? यादव जी का समर्थन मिल गया सरवण जी को? सरवण कुमार, सब सरवण कुमार, सरवण कुशवाहा जी को आप लोग जो है समर्थन दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं? पूरा मैं है। नवादा सरवन में हो गया पूरा, मैं लालटेन ही जलेगा, लालटेन पूरा, लालटेन कमल नहीं खिलेगा, मुरछा जाएगा कमल, और तो नवादा में कमल मुरछा जाएगा। अभी मोदी जी कहे थे 400 पार 400 पार, 200 नहीं पार होगा अभी तो। तो आप लोग बदलाव के मूड में हैं? हाँ, बदलाव दो बार देख लिए हैं, दो बार देख लिए हैं, अब उतार दीजिएगा, एकदम उतार देना है। विश्वास खत्म हो गया मोदी जी एकदम पूरा? गिरिराज सिंह भी अपन विश्वास खत्म करके यहाँ से गया है, यहाँ से कॉलेज वगैरह था जो भी ले चल गया, वो बेगूसराय देने। अच्छा, नवादा के आया था, ले चल गया बेगूसराय देने। वाला भी कहता काम नहीं किया गिरिराज सिंह, आप लोग भी कह रहे हैं काम नहीं किए? नहीं काम किया, कुछ नहीं, भाजपा शासन में काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। पुल पुल इतना शानदार दिख रहा है, खाली वो है एक काम किया है, रेलवे लाइन वाला जी सुख बस। अच्छा, कोई काम नहीं, गरीब के घर में 5 kg राशन पहुँचा रहे हैं आप लोग को? कहाँ मिल रहा है राशन, मैंने एको किलो नहीं मिलता। ये सब ध्यान में रहेगा या मंदिर के नाम पे वोट कर देंगे मोदी को? मंदिर के नाम पर नहीं, लालटेन देख रहा सब, पूरा लालटेन में। मोदी जी मंदिर बना दिए हैं आप लोग के लिए, मंदिर में मन क्या करेगा जाके? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, विकास के मुद्दा पर वोट होगा, विकास के मुद्दा पे। हाँ, विकास कौन करेंगे? तेजस्वी यादव करेंगे विकास। तेजस्वी जी पर विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। चलिए नवादा में थे हम लोग, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया कि नवादा में क्या होगा, नवादा में क्या लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा, आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया दीजिए, रवि मेहता नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।